I hope you have seen the earlier video from Kaziranga to Dirang, but journey is not over. Still half an hour is there. अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। हमारे टूर गाइड ने सजेस्ट किया कि अंधेरा होने से पहले हम ये मॉनेस्ट्री देख के आते हैं, फिर होटल चलते हैं। डिसीजन एकदम सही था। See this, दिरांग की मॉनेस्ट्री एकदम पहाड़ों के बीच में बसी हुई है एंड सराउंडिंग एरिया इज अमेजिंग। यहाँ पर ठंड भी बहुत महसूस हो रही है। अच्छा हुआ कि हमने अपने टूर गाइड की बात मान ली, नहीं तो इतनी खूबसूरत जगह हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ की कलरफुल वॉल्स, पेंटेड वॉल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, एवरीथिंग वेरी फैसिनेटिंग। एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये जो दिरांग गांव है वो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट एरिया में है। दिरांग इज अनएक्सप्लोर्ड विलेज, वन कैन कॉल इट एज अ हिडन जेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 4,910 फीट ऊंचाई पर है बॉमडिला, जहाँ पर हम तवांग से गुवाहाटी वापस जाते वक्त एक रात के लिए रुके थे। वो प्लेस यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। ये प्लेस काफ़ी सीरीन महसूस होती है। मॉनेस्ट्री जो आप देख रहे हो वो एंशियंट नहीं है, वो तो अप्रैल 2017 में बनाई गई थी और दलाई लामा ने इसे इनॉग्रेट किया था। यहाँ पर नवंबर से फेब तक विंटर होता है और यहाँ का टेम्परेचर 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पर विजिट करने के लिए ये बेस्ट सीजन है ऐसे कहते हैं। वी कैन व्यू दिरांग विलेज फ्रॉम हियर। डिस्टेंस फ्रॉम गुवाहाटी टू दिरांग इज 312 किलोमीटर बाय रोड। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6,000 या 10,000 फीट पर मंडाला टॉप है, लेकिन वो हमने नहीं देखा। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमना है तो आपको यहाँ पर महीना भर आके रहना पड़ेगा। दिरांग इतनी ऊंचाई पर है पर यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है। करीब करीब 15 साल में एक बार यहाँ पर स्नोफॉल होता है। गुवाहाटी से जो लोग तवांग तक सफ़र करते हैं तो दिरांग एक बीच का हॉल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर टूरिस्ट एक रात बिताते हैं। क्योंकि हम काजीरंगा से आए तो काजीरंगा टू दिरांग 7-8 घंटे और वापस दिरांग टू तवांग 7-8 घंटे, तो ये एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं। जाते जाते हमने एक मंदिर विजिट किया। सराउंडिंग प्लेस इज सो अमेजिंग जर्नी, वी फाउंड सो मेनी पिक्चरेस्क प्लेसेस हियर। नेचर बाउंडेड है ये एरिया। फिर इस होटल में हमने कॉफ़ी ब्रेक लिया। बहुत अच्छा होटल था और बहुत अच्छे से सजाया था। यहाँ पर खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है और कूड़ादान में फेंकना भी नहीं पड़ता है। और देखो ये होटल का सराउंडिंग एरिया कितना बढ़िया है, सच अ नाइस सीनिक एरिया। यहाँ पर आते आते ठंड बहुत बढ़ गई थी, चाय या कॉफ़ी की तो सख्त ज़रूरत थी। जब हम इस हंसी सफ़र से वापस घर आकर इन फ़ोटो को वापस देखते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है और कितनी यादें इसमें भरी हुई होती है। इस होटल का किचन भी बहुत अनोखा था और बहुत खूबसूरती से सजाया था। किचन के वॉल्स आसामी टाइप के थे और बर्तन कैसे अच्छे से हैंग किए हुए थे, टोटली क्लीन। अब हम एक्चुअल दिरांग विलेज में आ ही गए और वहाँ पर भी हमने कई सारे रेस्टोरेंट्स ढूँढे। ये एकदम स्मॉल विलेज है तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें पैदल ही देख ली। एक दो होटल्स में दिखाती हूँ आपको। इसको क्या कहते हैं? खुरमा। हम जब यहाँ पर आए तो टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस था, शाम के 5:30 बजे। फिर थोड़ा मार्केट घूम घूम लिए। यहाँ पर विंटर में पहनने वाले गारमेंट्स बहुत अच्छे थे और कस्टमर्स कोई नहीं थे तो मैंने सब ट्राई करके देखे। यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि यहाँ पर कभी कभी बारिश होती है। और नेक्स्ट डे हमें और ऊपर जाना था, इसलिए हमने वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाली गोली यहाँ के केमिस्ट के पास से खरीद ली, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लेह ट्रिप के वीडियो में बताई थी। 10
tablet's name was Antizolamide. If you want to know more about Antizolamide, please see my Leh video. इतने छोटे विलेज में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। हमने कोई रेस्टोरेंट्स जाके देखे और उनमें से एक चूज़ किया खाने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग लिटरेट दिखाई दिए। अच्छी लगी ये दिरांग की ट्रिप। ये कामांग नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन समर में यहाँ का टेम्परेचर 28 डिग्री तक जाता है। और यहाँ के लोग एप्रिकॉट, कीवी फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंजेस ये फ्रूट्स खाते हैं। यहाँ पर एक राजस्थानी स्वीट कॉर्नर करके शॉप था, कन्फेक्शनरी शॉप, बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्वीट ट्राई किया। हम जब नवंबर में यहाँ पर आए तभी दिवाली का सीज़न चल रहा था। कौन सा लड्डू है ये और ये वाला? नेक्स्ट वीडियो में हमारी दिरांग टू तवांग की ट्रिप आप देखेंगे। स्टे ट्यून टू सी तवांग।